नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अब बूथ बनाए जाएंगे। आज से जिला अस्पताल में बूथ बनाए जाएंगे, विशेष टीकाकरण सत्र चलाया जाएगा। दूसरी डोज 28 दिन पर देने की सुविधा दी जाएगी। ACS स्वास्थ्य ने जारी की गाइडलाइन, नई गाइडलाइन जारी की गई है। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर विशेष टीकाकरण सत्र अब चलाया जाएगा और दूसरी डोज जो है 28 दिन पर देने की सुविधा आप लोगों को मिलेगी। ACS स्वास्थ्य ने नई गाइडलाइन जारी की है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, लखनऊ से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अब बूथ बनाए जाएंगे और आज से जिला अस्पताल में ये अलग से बूथ बनाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, विशेष टीकाकरण सत्र चलाया जाएगा और 28 दिनों में दूसरी डोज देने की तैयारी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, दूसरी डोज 28 दिन पर देने की तैयारी। ACS स्वास्थ्य ने नई गाइडलाइंस जारी की है, बड़ी जानकारी। लखनऊ से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अब अलग से बूथ बनाए जाएंगे। आज से जिला अस्पताल में उनके लिए अलग से बूथ बनाए जाएंगे और नई गाइडलाइंस उनके लिए जारी कर दी गई है। विशेष टीकाकरण सत्र चलाया जाएगा और बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर दूसरी डोज जो है वो महज 28 दिनों पर देने की सुविधा जो है उन्हें मिलेगी। ACS स्वास्थ्य ने नई गाइडलाइंस जारी की है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये अहम जानकारी, जहां अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बूथ बनाए जाएंगे और आज से जिला अस्पतालों में ये बूथ बनाया जाएगा। बूथ में जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री है उन्हें दूसरी डोज जो है वो महज 28 दिनों में देने की तैयारी शुरू हो गई है। विशेष टीकाकरण सत्र शुरू किया जाएगा, जिला अस्पताल में अलग से बूथ बनाया जाएगा और दूसरी डोज 28 दिनों बाद देने की तैयारी।